हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं प्रेशर कुकर पे ही आपको चावल और चना आलू बैंगन की सब्जी फटाफट बनाना बताऊंगी। बिल्कुल टाइम की बहुत बचत होने वाली है, तो बिल्कुल आप वीडियो स्किप ना करिएगा। यहाँ फ्रेंड्स, मुझे सब्जियों में जो जो लगने वाले हैं वो सारे फल फ्रूट्स ले रही हूँ, और मैंने चना पहले से भिगा के रखा हुआ था वो ले लिया है। अभी मैं यहाँ पर आलू छील रही हूँ और उसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। तो इसे मैं अच्छे से धो करके कट कर रही हूँ। इसी के साथ मैंने बैंगन और टमाटर वगैरह जितने भी सब्जियाँ थी सारा मैंने कट कर लिया है। और ये देखिए, ये है चना जो मैं पहले से भिगा के रखी हुई थी। यहाँ पर मैं अदरक कूट लिया है और टमाटर भी मैं साथ कट कर लिया है। यहाँ पर मुझे मेरी बेबी को लगी थी जोरों की भूख, तो उसके लिए सबसे पहले मैं पराठा बना के उसके बाद मैं फ्री हो करके फिर मैं सब्जियों की जैसे जो बनाने वाली हूँ क्विक एंड ईजी तरीके से वो बताने वाली हूँ, तो आप देखते रहिएगा। चलिए, मैंने इसे खिला के आ चुकी हूँ। और यहाँ पर मैंने एक गिलास, अगर आप चावल ले रहे हैं तो दो गिलास आप बिल्कुल पानी डाल दीजिएगा। मेरा जो गिलास है छोटा सा है। तो ये रहा जीरा और सरसों मैंने डाल दिया है, दालचीनी और यहाँ पर बड़ा इलायची, प्याज, मीठा पत्ती, आलू, बैंगन और चने, तो ये सभी को मैंने डाल दिया है। कूट के रखे थे अदरक, उसे भी मैंने डाल दिया है। हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया स्वाद अनुसार आप अपने से डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं लहसुन और मिर्च की पेस्ट डाल रही हूँ। और ये रहे, यहाँ पर मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। टमाटर भी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर लगे हाथ थोड़ा पानी डालूँगी। ज़्यादा हमें भर के नहीं डालना है पानी, तो यहाँ पर मैं पानी ऐड कर दिया है। और ये रहा, पानी ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर मैं चावल एडजस्ट करके रख दूँगी और ये ढक भी दिया। ढकने के बाद मैं कुकर भी बंद कर दूंगी। सीटी लगा दिया है और ये रहे, रेडी है अब ये बनने के लिए। तो हम सिर्फ 3 से 4 सीटी के लिए लगने देंगे। साथ ही साथ मेरी रोटी भी पकाते चल रही है, क्योंकि उधर मेरी चावल और सब्जी तैयार होते रहेगी और इधर मेरी रोटियां हल्के हैं, पलटे तैयार होते रहेगी। तो यहाँ पर मेरे मस्त बन गए हैं, रोटियाँ भी रेडी हो चुकी हैं और यहाँ पर लग चुके हैं सीटी। तो 3 से 4 सीटी हो चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं चावल। वाव, चावल भी बहुत ही खिला सा बना हुआ है। और ये धनिया डाल दिया मैंने यहाँ पर, और सब्जी मेरे बन करके रेडी हो चुके हैं। देखिए चने कितने अच्छे से गल चुके हैं, वाव। तो इसकी जो खुशबू आ रही है बहुत ही यमी आ रही है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मेरे चावल, सब्जी, रोटी बन करके रेडी है। साथ में थोड़ा सा गाजर और थोड़ा सा रायता इस पे मैंने रख दिए हैं। और हस्बैंड का टाइम हो चुका है आने का, सो आप भी एक बार ट्राई करिएगा। और ये देखिए, मेरी बेबी इससे ये गोल गोल करने के चक्कर पे पूरा रायता फैला कर रख दिया है। और ये रहे चावल और सब्जी, वाह बहुत ही यमी है, बहुत ही टेस्टी लगा है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी यह वीडियो अगर देख रहे हैं, थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक बार बनाकर ज़रूर देखिए।